नमस्ते बिटिया, आई जीवी निशु शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज प्रिंटएफ एंड व्हाट इज स्कैनएफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटएफ एंड द स्कैनएफ। सो वी से दैट बोथ आर यूजिंग फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो प्रिंटएफ वी यूज stdio.h, conio.h। सो conio इज कंसोल इनपुट आउटपुट, and stdio is standard input output. So stdio dot is used for printf and scanf is used for conio. So both send to standard input output location. Printf is used to convert value to character from according to the format string, and scanf is used to convert the character according to the format string and followed by pointer argument indicating where the resulting values are stored. Scanf क्या करता है, आपके address को call करता है, और printf क्या करता है, आप जो print करवाना चाहते हैं, सपोज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, माय नेम इज निशु शर्मा, तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंट एफ, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर चाहते हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रिंट एफ की जरूरत है। और आपका डेटा कहाँ से लेना है, किस प्लेस से लेना है, कहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल है, जैसे ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू 20 है, सम इसका 30 आएगा, अब मुझे प्रिंट करवानी है वैल्यू 30, तो 30 या मुझे सम करवाना है, तो सम की वैल्यू कहाँ से लेगा, उस सम के एड्रेस से लेगा जहाँ सम इक्वल्स टू ए प्लस बी है, जहाँ फॉर्मूला आपने लगा ना सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की वैल्यू को ऐड करके जो सम की वैल्यू आएगी वो आपके वैल्यू को बाय यूजिंग स्कैनएफ लेगा। अब स्कैनएफ का कैसे यूज करते हैं, प्रिंटएफ का कैसे यूज करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं प्रिंटएफ का अगर हम यूज करें या स्कैनएफ का हम यूज करें, तो स्कैनएफ के लिए टू इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन आपका स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि कैसा आपका आर्ग्यूमेंट है, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जैसे परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, सेट ऑफ एडिशनल आर्ग्यूमेंट की होती है पॉइंटर्स टू वेरिएबल, कंसिस्ट ऑफ परसेंट एट द बिगिनिंग एंड द टाइप इंडिकेटर एट द एंड। सपोज जैसे मुझे स्ट्रिंग टाइप लेना है तो परसेंट एस, मुझे इंटीजर टाइप लेना है तो परसेंट डी, मुझे फ्लोट टाइप लेना है तो परसेंट एफ, यानी परसेंट इंडिकेट करेगा आपके स्कैन एफ के लिए, तो जिसके स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा परसेंट, यानी कि स्किप ऑल ओवर लीडिंग वाइट स्पेस, स्पेस टैब एंड न्यू लाइनिंग प्रायर टू फाइंडिंग फर्स्ट इनपुट वैल्यू इन टू इन बिटवीन दैट, यानी स्टार जो सिंबल होता है, स्टार इक्वल्स टू, मतलब स्टार की वैल्यू क्या होगी, यूज टू सप्रेस इनपुट, मैक्सिमम फील्ड विथ इंडिकेटर, टाइप इंडिकेटर मॉडिफायर, ये सारी चीजें हम लोग इन बिटवीन ऑप्शंस में यूज करते हैं। इनपुट स्टॉप के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, इनपुट रीड डजंट मैच व्हेन द फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाई, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पॉइंटर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी द राइट टाइप, the next call to scanf resume searching immediately after the last character which is already converted, return value equals to hash of values converted। अब हम यहाँ format किया, जैसे कि भी मैंने बात किया था कि variable type है int, long, float, double character और array of character, तो हम ये सब चीजें लेंगे, percent d int के लिए, percent ld long के लिए, f float के लिए, double के LF, C के लिए, कैरेक्टर स्ट्रिंग या एरे ऑफ कैरेक्टर, यानी एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग, तो हम लोग परसेंट एस लेंगे। अब हम इसके एनएफ का कैसे यूज करते हैं, सपोज जैसे कि बोला है कि दिन महीने साल को हमने करवा रखा है, हमें जैसे आज की डेट हमें मेंशन करनी है, यानी डे मंथ ईयर, तो हम क्या करेंगे, स्कैनएफ परसेंट डी फॉर डे, परसेंट डी फॉर स्कैन मंथ, परसेंट डी फॉर ईयर, और इसको हमने बंद किया। अब मंथ की वैल्यू मंथ से ले, डे की वैल्यू डे से ले, ईयर की वैल्यू ईयर से ले, तो इस तरीके से हमारा आ गया वन मंथ, 29 डे एंड 64 ईयर। सो इसी तरीके से इतने सारे जो एग्जांपल हैं, अब जैसे यहाँ इंट का लिया हमने, यहाँ डबल का ले लिया कि डबल डी, तो डबल के लिए हम लोगों ने क्या लिया, परसेंट एल एफ कॉमा परसेंट डी एम परसेंट डी, एम परसेंट मतलब इस डबल को हमने जो शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है डी। इनपुट इसका आउटपुट क्या है, सपोज जैसे मैंने लिया है 3.14, तो डी इज इक्वल्स टू 3.14,
सो ये हमने बेसिक एग्जांपल लिए कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, स्कैन एफ को लिखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ में क्या डिफरेंस है, स्कैन एफ को हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन इज पावर्ड बाई डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।